रहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे कुछ नहीं भाई, और काम के बीच में ऐसी ककड़ियाँ मिल जाए तो फिर तो मजा ही दुगना हो जाता है इस चीज का। अभी सुबह के बजे हैं, 3 बज गए और मैं निकल गया हूँ कमरे से। मेरे साथ के सारे लड़के निकल गए हैं क्योंकि उनका GD में था और मेरा टेक्निकल में है, तो अपनी फाइल पकड़ लिया मैंने, सारा बैग पैक कर लिया। और एक बार मैं बैग भूल गया था उधर, तो फिर भागा बैग लेके आ गया। अभी मेरे को फील्ड पे जाना है, एक दोस्त फोन करता है वहाँ पर, फील्ड पे बैठते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं उधर। तो अंदर का शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से मीडिया बैन किया हुआ है, शायद फ़ोन खोलने भी ना दें। तो देखते हैं, जहाँ तक जगह हो सकेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। भाई भर्ती हो गई है खत्म, और ये चेहरा हो गया, ये निराश चेहरे देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल चेहरे छुपा रहे हैं। और भाई कैसे रही भर्ती? वैसे ना मत लो, क्यों जाता थी आप जानते हो भाई। कैसे रहे, टाइमिंग कैसे दे रहे लोग? भाई फटना अपनी जगह है। अब परसों से पौड़ी वालों की भर्ती है, तो क्या कहना चाहोगे पौड़ी वालों के लिए? यही कहेंगे कि खाली भीड़ करने के लिए आओगे, निकालेंगे उतने जितने इनके मन में। कितने निकल रहे भाई वैसे? भाई हमारा, आप कौन से ग्रुप में रहे? अरे मैं तो कल है यार, मेरी बटन हम तो सबसे लास्ट ग्रुप में थे। अच्छा GD में? हाँ, में। फिर भाई साहब हमारे टाइमिंग क्या दे रहे हैं? टाइमिंग वही दे रहे हैं, 5:15 5:15 क्लोज। मतलब टफ डे कितने रहे बंदे? 11:12 बस। भाई तुम कुछ कहना चाहोगे क्या? बहुत कुछ कह चुका हूँ भाई। भाई बोल दे यार, घर वालों के साथ रहूंगा, घर वालों के साथ कुछ इसे पता बता दो भाई। कहते रहे मेरे भाई, अब क्या कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे कुछ नहीं भाई, होप मत तोड़ो, अभी तो बहुत, अभी तो पहला सांस है भाई। एक मौका पहले मिला था कोरोना से पहले, एक कोरोना के बाद मिल गया है। इस बार तो एज बड़ी हुई थी, तो हमारी एज हो गई ना 23 कर रखी थी, अब 21 क्रॉस हो गई, खत्म हो गई एज। चलो कोई बात नहीं, चलो फिलहाल गाड़ी मिल गई है, मैं अब यहाँ से निकलना है इन निराश चेहरों के साथ। एक नई आस है कि अगली बार जब भर्ती आएगी तो फिर मेहनत करेंगे, हो जाएंगे। अरे एक तो ये छुपते रहते हैं यार, तो फिलहाल कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो जिंदगी का है, कभी हार कभी जीत, बट नेक्स्ट टाइम पक्का आएगा। अग्निवीर में तो हम भर्ती हुए नहीं, तो क्या करें, ऐसे वेले बैठ सकते हैं घर पे, ना कुछ काम धाम। जो अच्छे थे, जिन्होंने अपना 100% दिया, वो चले गए आर्मी में, और हम बेचारे आगे घर। और वहाँ पे ना ऐसा था कि वीडियो शूट करने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं था, जैसे ही वीडियो कोई कैमरा निकाल रहा, मतलब कॉल करने के लिए अगर निकालता ना, तो पीछे से सर पे ऐसे थप्पड़ पड़ते थे ना भाई साहब, मतलब डर के मारे किसी ने फोन भी नहीं निकाला। इसलिए मैं वहाँ ज्यादातर कोई, अगर आप और वीडियो भी देखोगे ना, तो बस वहाँ पे ऐसा है कि लोग बाहर रिव्यूज ले रहे हैं, और या तो अगर शूट करेंगे तो बहुत दूर से ऐसे धुंधला दिख रहा होगा। नहीं करना किसी ने कोई शूट वगैरह नहीं करना, मतलब मीडिया में बिल्कुल भी बंद था अग्निवीर की पहली भर्ती, कुछ रहा होगा आर्मी का कोई रूल होगा, तो इसीलिए हमको भी थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। मतलब अब जब कह रहे हैं आगे से, तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल अग्निवीर में भर्ती हुए नहीं, तो वहाँ तो वही भर्ती हुए जिन्होंने अपना 100% दिया होगा, अच्छी तरीके से मेहनत करी होगी, हम बेचारे कहाँ मेहनत करें, मेहनत तो करी नहीं, तो फिर तो बाहर ही होना था। और ना सब लोग कह रहे हैं कि अग्निवीर में ना टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ना, मैंने जितने ग्रुप देखे, टाइम तो मतलब थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा है ना, जिन लोगों ने अच्छी मेहनत करी हुई है ना, बढ़िया अपना 100% देके मेहनत कर रहे हैं, जिनके दिमाग में था कि हमने जाना है, तो वो लोग भर्ती तो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम की कमी है। अब क्या होता ना, पहले क्या होता, पहले वाली भर्ती में जैसे 50-60 बंदे ले लेते थे, तो फिर वो अंदर छट छट के ना 12-13 ही बचते थे। अब उनको भी ऐसा हो रहा है कि, अब मेरे हिसाब से उनको ऐसा हो रहा होगा, यार इतने कबाड़ लेके जाएंगे कहाँ अंदर इतना, अब कम से कम आज भर्ती हो रही मेडिकल, कम से कम 10 दिन में हो रहा, फिर टेस्ट पता नहीं कब हो जाता अंदर, मतलब वो होता रहता था, टाइम बहुत लगता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि यार अब 4 साल का टाइम है, तो ऐसा करते हैं फटाफट, मतलब जो अच्छे अच्छे क्रीम होगा ना, जो उनको ले जाएंगे, और फटाफट मेडिकल भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, और जल्दी से ये रिक्रूट निकल जाएंगे अपने ड्यूटी वगैरह पे, या रंग रूट के लिए चले जाएंगे। तो ये सोच के शायद आर्मी ने उनको फटाफट 12-14 बंदे जो भी ले रहे होंगे बढ़िया तरीके से ले लेते हैं। पहले आदत नहीं थी ना, पहले बताया नहीं था आर्मी वालों ने कि ऐसा हो सकता है, तो लोगों को आदत रही नहीं। अब शायद अगले बाहर से लोग अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, 10-12 महीने निकलने की कोशिश करेंगे।
तो अब जब घर पे खाली बैठे हुए हैं तो हमने सोचा है टाइम का थोड़ा यूटिलाइज करा जाए। जो हमारे बगल पे किचन था ना, मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उसमें ना वो टिन का डला हुआ था, तो हमने सोचा यार इस पे ना थोड़ा छत डाल देते हैं, बाकी हम कभी अगर रूम चढ़ाएंगे तो उसमें ना मतलब रूम चढ़ाने के थोड़ा दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि जो काम कचर पचर का था वो अभी हम कर रहे हैं अभी, क्योंकि थोड़ा काम ढीला डाला ही है, तो फिर हमने सोचा है यहाँ काम कर लेते हैं, फिर बाद में सरलता हो जाएगी। तो इसी के लिए मैं थोड़ा गौशाला जा रहा हूँ, कुछ हमें लकड़ियाँ चाहिए उस काम के लिए, तो वही लेने जा रहा हूँ। पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इन खूबसूरत पहाड़ों से, इन खूबसूरत खेतों से। एक तो ये ओरी ना पीछे पीछे आता रहता है, घिरता रहता है। अभी देखो मैं यहाँ वीडियो बनाया था, वो नीचे के खेत में गिर गया, अब वो देख ही रहा है वहां से कि कैसे आ जाए ऊपर। अब देखो ये ओरियो को लेने के चक्करों में ना मुझे यहाँ से आना पड़ रहा, ऐसे खेतों से जाना पड़ रहा, क्योंकि वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, तो फिर मुझे नीचे ही आना पड़ा। तो ये हम पहुंच गए अपनी गौशाला में, तो यहाँ से मेरे को लेके जाना है ये लकड़ियाँ। और पहले मैं ना ओरियो की बात बता देता हूँ आपको, ये ओरियो ऐसा ऐसा खतरनाक है ना, ये मतलब जैसा हमको चाहिए था ना कुत्ता, वैसा ही कुत्ता सेम टू सेम मिला है। मतलब ये हर चीज़ में हर चीज़ फुलफिल कर दी इसने। एक तो ये ऐसा है कि जब भी कोई बाहर जाता है ना घर से, पापा मम्मी या मैं, तो उनके पीछे तो ये भागता रहता है, और जहाँ तक जाएगा और सामने अगर कुत्ते ही मिल जाए ना तो थोड़ी दूर तक ही जाता है, फिर उसको लगता है कि यार ये गलत हो गया, मैं पता नहीं किसके साथ जा रहा हूँ, फिर ये पीछे पीछे आ जाता है, और घर से कहीं भी बाहर अभी तक तो कहीं भी बाहर नहीं जाता है, हमेशा घर ही पर रहता है। हर चीज़ मतलब सही है, और देखो खुशबू लेते लेते हुए आ गए यहाँ पे, और अभी इसको आदत नहीं है ना चलने की उतने पहाड़ों में, तो ये घिरता रहता है कहीं भी, मतलब जैसे खेतों में जा रहा उसको रास्ते दिख रहे तो वो वहीं टक से नीचे गिर रहा, जैसे अभी ऊपर में गिरा है धड़ाम से नीचे। फिलहाल तो डालने हैं हमें ये मसाला तैयार हो गया, और ये बिन भरने हमें अब ये दोनों, ये तो भर गया है और अब ये वाला भरना है। बड़ा क्या और भी रही हाँ भाई जो तो चलो काम के बीच में ना ऐसी चीजें आ जाए तो फिर तो मजा दुगना हो जाता है। मम्मी लाई अभी ककड़ी, ये मैं करन बोला ककड़ी खाओ खुश रहो, हाँ नमक लगा के, ये साले ये पहली चुवा मेरी ककड़ी, और ये मेरी ना इस बार की पहली ककड़ी है, तो जब भी हम पहली ककड़ी खाते हैं तो इसको ना बीज ना इस सर पे लगा देते हैं, ताकि ये मतलब प्रसाद है भगवान का तो ये बार बार मिलती रहे और ऐसी मिलती रहे, और काम के बीच में ना ऐसी ककड़ियाँ मिल जाए तो फिर तो मजा ही दुगना हो जाता है इस चीज का। पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है फिर, और आज ओरियो का है नहाने का दिन। एक चीज तो ना इस बुआ लोगों ने बढ़िया सिखाई हुई है, वो नहाने में ना बिल्कुल दिक्कत नहीं करता, बिल्कुल अच्छे तरीके से नहाता, और बस गिरता रहता है जहां तहां। जैसे हमारा पहला वाला था ना वो इतना नखरे करता था ना नहाने के लिए, लेकिन इसका ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया नहाता है। और ये शांत खेत, ऊपर काले गरजते बादल, ऐसा लग रहा है कि आज बारिश आएगी और खतरनाक वाली बारिश आने वाली है, क्योंकि दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई तो शायद आज बढ़िया बारिश आएगी। एक तो ये दिन भर ना बस काम देखते जाओ इधर उधर, अभी यहाँ बहादुर लगे हुए थे काम पे तो उनको देखने जा रहा हूँ कि कैसा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उनको देखते हैं। अभी पत्थर तो काफी निकालते हैं, अब बस एक चट्टा और निकालना है तो उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, तो लगे हुए हैं बहादुर लोग। तो मम्मी भी आ गई है गौशाला से खिरकंडा लेके, कद्दू दूध नहीं है सुबह में क्यों? अच्छा ये देखो, ये देखे बोलो ना कद्दू, अच्छा ये पहाड़ी कद्दू, ये आज शाम की सब्जी बनेगी, आज कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। और ना आपको यहाँ पे पूरा खाली दिख रहा होगा, क्योंकि ना वहाँ पे जो गुलाब का पूरा झाड़ गया हुआ था ना वो काट दिया है, क्योंकि वो बहुत अड़चन कर रहा था वहाँ पे,
अभी शायद कुछ टाइम बाद आएगा। अभी निकाल के हमने ना उसको यहाँ रखा हुआ है और इसकी कलम लगाएंगे, इसकी कलम हम यहाँ कहीं लगा देंगे। और अभी ना शाम का टाइम है और ये देख रहे हो आप एक नेचर वाली आवाज सुन रहे होंगे, ये देखो। तो अभी ना शाम का टाइम है और जैसे शाम होती है ना तो ये जो टिड्डे होते हैं ना, हिंदी में तो टिड्डे बोलते हैं और गढ़वाली में हम निनेरा बोलते हैं इनको, तो इनकी इतनी प्यारी आवाज आती है ना, बस अगर जैसे शाम हो जाती है और सुबह, और मतलब सुबह भी थोड़ा सा करते हैं और शाम को तो काफी देर तक करते हैं, इतना बढ़िया लगता है ना नेचर का, मतलब बढ़िया लगता है मेरे को। तो ये था आज का हमारा थकावट भरा दिन। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग बढ़िया लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेगा, लाइक करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं सोच रहा हूँ ना डेली ब्लॉगिंग करूँ, तो कोशिश करते हैं डेली ब्लॉगिंग करने की। तो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।